गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन इंग्लिश क्लास विद राजेश सर। आई एम हेयर विद यू विद अनदर ट्रांसलेशन ऑफ लेसन 5 ऑफ 10th क्लास पार्ट 2। द नेम ऑफ द चैप्टर इज फुटप्रिंट्स विदाउट फिट फ्रॉम द बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फिट। इट इज़ रिटन बाई H.G. वेल्स। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आपका ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे और हमारा यही प्रयास रहेगा कि आपको अच्छी से अच्छी टीचिंग प्रोवाइड की जाए। पहले पार्ट में हमने पढ़ा कि ग्रिफिन जो कि एक बहुत ही ब्रिलियंट एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक होता है, उसने एक ऐसी मेडिसिन की खोज की जिससे हम अपने शरीर को पारदर्शी इनविजिबल बना सकते थे। लेकिन उसने अपने इस महान डिस्कवरी का मिसयूज किया और वो अपने मालिक के घर को आग लगा देता है। उसके बाद वो एक लंदन के बड़े स्टोर हाउस में घुस जाता है। उसके बाद वो वहाँ एक दूसरे शॉपकीपर पर आक्रमण करता है, वहाँ से बहुत सी चीज़ें चुरा कर ले आता है और उसके पैसे भी छीन लेता है। उसके बाद वो आइपिंग नामक एक विलेज पर पहुँच जाता है। जब वो वहाँ पर पहुँचा तो वो सभी की चर्चा का विषय बन गया। क्यों चर्चा का विषय बन गया? इसके पीछे रीज़न यही था कि एक तो उस टाइम उस मौसम में कोई भी वहाँ पर जाना पसंद नहीं करता था, दूसरा उसकी जो अपीयरेंस थी वो अजीब थी, वो किसी से भी बात करना पसंद नहीं करता था। मिसिज होल्स ने बहुत प्रयास किया उससे बातचीत करने का, उससे दोस्ती करने का, लेकिन वो क्रोधित हो जाता था, वो आपे से एकदम बाहर हो जाता था, उसको कंट्रोल नहीं हो पाता था। हमेशा वो अपना दरवाज़ा बंद करता था, लॉक करके जाता था। लेकिन आज उन्होंने जब देखा कि बहुत अवसर है, उसका दरवाज़ा खुला हुआ है, तो मिसिज होल और जो कलजी मैन था उन्होंने एक छड़ी ली और वो अंदर गए और उन्होंने कहा आत्म समर्पण कीजिए, सरेंडर कीजिए। अब आगे क्या होता है हम पढ़ेंगे। देन टू हिज अमेजमेंट, उसके लिए हैरानी हुई, ही रियलाइज दैट, अब उसने महसूस किया द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी, वो तो बेवजह बोल रहा है, कमरा तो बिल्कुल खाली है, यहाँ पे तो कोई नहीं है। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क, उसने और उसकी पत्नी ने डेस्क के नीचे देखा, एंड बिहाइंड द कर्टेंस, और जो पर्दे थे उन पर्दों के पीछे भी देखा, एंड इवन अप द चिमनी, और उस चिमनी में भी वहाँ पे देखा, देयर वाजंट ए साइन ऑफ एनी बॉडी, लेकिन वहाँ पर किसी का भी चिन्ह नहीं था। येट द डेस्क हैड बीन ओपन्ड, यद्यपि जो डेस्क थे वो डेस्क खोला गया था, एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग, और घर में रखी हुई जो धन था वो गायब था, हालांकि पैसे निकले हुए थे, उनको आदमी नहीं दिखाई दिया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, साधारण बात हुई है, तो द कलजी मैन कैप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, वो कलजी मैन वो पादरी पूरे दिन यही बात कहता रहा, अजीब बात है, कोई आदमी दिखाई नहीं दिया और पैसे भी गायब। बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसिज होल्स फर्नीचर ए लिटल लेटर दैट मॉर्निंग, अगली सुबह जब मिसिज होल्स के जो फर्नीचर था उसने उसके साथ अजीब बर्ताव किया, ये उससे और ज़्यादा रहस्यपूर्ण बात थी। क्या हुआ? द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर वेरी अर्ली, एक दिन बहुत जल्दी उठ गए, लैंडलॉर्ड और उसकी पत्नी जल्दी उठ गए, एंड वर सरप्राइज्ड, और वो बहुत हैरान हुए, टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, क्योंकि उन्होंने देखा कि जो वैज्ञानिक का दरवाज़ा था वो पूर्ण रूप से खुला हुआ था, बिल्कुल खुला हुआ था। यूजुअली प्राय इट वॉज शट एंड लॉक, वो क्या करता था, हमेशा दरवाज़ा बंद करके जाता था, और कहीं भी जाता था तो ताला लगा के जाया करता था। आज उसका दरवाज़ा खुला देख के उनको हैरानी हुई, एंड ही वॉज फ्यूरियस, और वो क्रोधित हो जाता था, इफ़ एनी वन एंटर्ड हिज रूम, यदि कोई उसके कमरे में प्रवेश करता, अंदर घुसने का प्रयास करता तो क्रोधित हो जाया करता था। द अपॉर्चुनिटीज सीम टू गुड टू बी मिस्ड, अब अवसर उनके लिए बहुत अच्छा मौका था, क्योंकि वे मौका देख रहे थे कि कभी इसके कमरे की तलाशी ली जाए, आज उनको मौका मिल गया था, अब उसको खोना नहीं चाहते थे। दे पीप्ड राउंड द डोर, अब उन्होंने दरवाजे से झाँका सा देखा, नो बॉडी, वहाँ पे तो कोई नहीं था, एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट,
और मन बनाया क्यों न इसके कमरे की छानबीन की जाए, यहाँ पर देखा जाए। द बेड क्लॉथ्स वर कोल्ड, जो बेड पर रखी हुई जो बेड क्लॉथ थे, कपड़े थे, चादर थी, वो ठंडे थे। शोइंग दैट, ये दिखा रहे थे द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, वैज्ञानिक यहाँ पे ज़रूर कुछ समय के लिए होगा। एंड स्ट्रेंजर स्टिल, और अजनबी यहीं पर होगा। द क्लॉथ्स एंड बैंडेज, उस अजनबी के जो कपड़े थे, हमेशा जो पहनता था बैंडेज, जो अपने माथे पर बैंडेज लगाता था, दैट ही ऑलवेज वोर, जिसको वो हमेशा पहना करता था। वर लेइंग अबाउट द रूम, वो कमरे में इधर उधर बिखरे हुए थे। ऑल ऑफ सडन, अचानक मिसिज हॉल हर्ड ए स्निप क्लोज टू हर ईयर, अचानक मिसिज हॉल को अपने कान के पास कुछ आवाज़ सुनाई दी, बिल्कुल कान के निकट कुछ आवाज़ सुनाई दी। ए मोमेंट लेटर, कुछ पल के बाद, द हैट ऑन द बेड पोस्ट लिफ्ट अप, जो बिस्तर पर जो चादर थी बेड पोस्ट के ऊपर जो हैट रखा हुआ था वो एकदम ऊपर उठा। एंड डेस्ट इट सेल्फ इन टू हर फेस, और उसको चेहरे को छूता हुआ चला गया। देन द बेडरूम चेयर अलाइव बिकेम अलाइव, उसके बाद जो बेडरूम में कुर्सी रखी हुई थी वो भी एकदम जिंदा हो उठी। स्प्रिंग इन टू द एयर, एकदम वो हवा में उछली। इट्स चार्ज स्ट्रेट एट हर, बिल्कुल सीधा उसको लगी। लेग्स अप फॉरमोस्ट एज सी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे, इसके बाद वह और उसका हस्बैंड पीछे मुड़ गए, इन टेरर भय से पीछे मुड़ गए। उन्होंने सोचा ये क्या हुआ। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर पुश देम, उस अत्यधिक साधारण चेयर ने उनको पीछे धकेल दिया, दोनों को आउट ऑफ द रूम, कमरे से बाहर कर दिया। एंड देन अपीयर्ड टू स्लैम द लॉक एंड डोर आफ्टर देम, उसके बाद उसने दरवाजे को बंद, उनको बाहर भेज दिया और एकदम धड़ाम से दरवाज़ा बंद हो गया। मिसिज हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन, मिसिज हॉल लगभग गिर गई थी, मूर्छित हो गई थी। द स्टेज इन द हिस्ट्रीस, वो एकदम मूर्छित हो गई थी सीढ़ियों के ऊपर। सी वॉज कन्विस्ट, अब तो उसको ही पक्का आभास हो गया था, यकीन हो गया था दैट द रूम वॉज हाउंटेड बाई स्प्रिट्स, कि जरूर इस कमरे में किसी की बुरी आत्माएँ हैं, यहाँ पर जरूर कोई भूत प्रेत निवास करता है। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड सम हाउ कॉज्ड दीज टू इंटर इन टू हर फर्नीचर, और उसका डाउट उस स्ट्रेंजर पर गया, उस अजनबी पर गया, जरूर उसने इस फर्नीचर में कुछ जादू टोना किया है। माई पुअर, मेरी मदर यू टू सिट इन द चेयर, इस कुर्सी पर हमेशा बैठा करती थी। सी मोंड, वो रोने लगी, करारने लगी। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, ये सोचते कि क्या यही मुझ पर चोट पहुँचाएगी। द फीलिंग अमोंग द नेबर्स वॉज दैट, अब ये लोगों के बीच में फीलिंग आ गई। द ट्रबल्स वॉज कॉज बाई विचक्राफ्ट, जरूर ये किसी जादू टोने का है, किसी जादूगर का ये काम है। बट विचक्राफ्ट और नोट, ये किसी जादूगर का है या नहीं, लेकिन इस पर तो लोगों को बहुत ही कम विश्वास हुआ। वैन न्यूज ऑफ बर्गलरी एट द कल्जी मैन्स होम, और जब उनको ये पता चला कि उस पादरी के घर में चोरी हुई है। बिकम नॉन, जब उनको इस बात का पता चला, द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वॉज स्ट्रोंगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड ए हैंड इन इट, और सबका डाउट पूर्ण रूप से उसके ऊपर गया, उस अजनबी के ऊपर गया। उन्होंने सोचा जरूर इस चोरी में इस वैज्ञानिक का हाथ है। सस्पिशियंस ग्रीव इवन स्ट्रोंगर, उनका संदेह और ज़्यादा बढ़ गया। वैन ही सडनली प्रोड्यूस सम रेडी केस, जब उसने एकदम रेडी केस तैयार किया अपना, उसने पैसे उसके सामने पेशकश किए, क्यों कुछ समय पहले उसने खुद कहा था कि मेरे पास पैसे अब ख़त्म हो गए हैं, मेरा चेक आएगा। और आज उसने मिसिज हॉल के सामने अपने एडवांस पैसे फिर दे दिए। दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर, काफ़ी समय पहले उसने स्वीकार किया था कि ही हैड नो मनी, कि उसके पास पैसे नहीं हैं। द विलेजर कांस्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर, उसके बाद गाँव का जो एक कांस्टेबल था सिपाही, उसको बुलाया गया चुपचाप। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, उस सिपाही का बिना इंतजार किए हुए मिसिज हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, मिसिज हॉल उस वैज्ञानिक के पास गई। हु हैड सम हाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, जो पता नहीं कैसे उस खाली रूम में कहाँ से आ गया था, रहस्यपूर्ण ढंग से आ गया था। आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहती हूँ कि वट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अप स्टेयर, जो
सीढ़ी है, सीढ़ियों पे जो कुर्सी है उसके ऊपर आप क्या कर रहे हो, मेरी कुर्सियों के साथ क्या कर रहे हो। सीट डिमांडेड, अब उसने पूछा, एंड आई वॉन्ट टू नो, और मैं ये जानना चाहती हूँ, हाउ इट यू केम आउट ऑफ एम्प्टी रूम, आप कमरे में, इस खाली कमरे में अंदर कैसे आए, एंड हाउ यू एंटर्ड ए लॉक्ड रूम, क्योंकि बाहर से दरवाज़ा बंद था, फिर आप अंदर कैसे आए। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, जो वैज्ञानिक था वो हमेशा जल्दी आपे से बाहर हो जाता था, मीन्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, अब वो क्रोधित हो गया। यू शुडंट अंडरस्टैंड, आप नहीं समझे, हु और व्हाट आई एम, कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। ही शाउटेड, वह चिल्लाया, वेरी वेल, बहुत अच्छा, आई विल शो यू, मैं आपको दिखाऊँगा। सडनली, अचानक, ही थ्री ऑफ बैंडेज, अब उसने अपनी बैंडेज उतारी, विस्कर्स, स्पेक्टल्स, अपनी नकली दाढ़ी, स्पेक्टल्स, चश्मे, एंड इवन नोज, और जो उसने नकली नाक लगाया हुआ था उसको भी उसने क्या कर दिया, फेंक दिया। इट टुक हिम ओनली ए मिनट टू डू दिस, ऐसा करने में उसको ज़्यादा समय नहीं लगा, सिर्फ एक मिनट ही लगी। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार, उस बार में जितने भी लोग थे सभी भयभीत हो गए, क्यों हो गए, उन्होंने देखा, फाउंड देमसेल्फ स्टेयरिंग ए हेडलेस मैन, कि उन्होंने एक बेधड़ आदमी दिखाई दिया, मीन्स जिसका सिर नहीं था वो एक ऐसा आदमी दिखाई दिया उनके बीच में, वे डर गए सभी। मिस्टर जाफर जा कांस्टेबल, उस सिपाही का नाम था मिस्टर जाफर, नाउ अराइव्ड, अब वो वहाँ पर पहुँच गया, एंड वाज क्वाइट सरप्राइज, और वो बहुत हैरान हुआ, टू फाइंड दैट, ये पाकर, ही हैड टू अरेस्ट ए मैन, कि अब उसको एक ऐसे आदमी को गिरफ्तार करना था विदाउट ए हेड, जिसका सिर नहीं था, बिना सिर वाले आदमी को अब उसको गिरफ्तार करना था। बट जाफर वॉज नॉट ईजली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन वो अपनी ड्यूटी से नहीं आसानी से बच सकता था। कहता कि इफ़ ए मैजिस्ट्रेट वारंट ऑर्डर, यदि कोई जज आदेश जारी करता है किसी को गिरफ्तार करने का, ए पर्सन अरेस्ट, गिरफ्तार करने का आदेश जारी करता है, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड, तो उस आदमी को गिरफ्तार किया ही जाता है, और विद और विदाउट हिज हेड, चाहे उसका सिर हो या न हो, उसको गिरफ्तार जरूर किया जाता है। देयर फ्लोड ए रिमार्केबल सीन एट द पुलिसमैन ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ ए मैन, वहाँ पर एक बड़ा उल्लेखनीय नज़ारा देखने को मिला, जब उस पुलिसमैन ने उस आदमी को पकड़ने का प्रयास किया, उस आदमी को हु वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल, जो और ज़्यादा अदृश्य हो रहा था, एज ही थ्री ऑफ वन गारमेंट आफ्टर एनोदर, एक के बाद एक वो अपने गारमेंट को उतारता जा रहा था, एक के बाद एक कपड़े उतारता जा रहा था और अदृश्य होता जा रहा था। फाइनली, अंत में, ए शर्ट फ्लू इन टू द एयर, हवा में उसने अपनी एक शर्ट को उछाला, एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग, और उस सिपाही ने अपने आप को संघर्ष करता हुआ पाया विद समवन, उस आदमी के साथ, ही कुड नॉट सी एट ऑल, जिसको बिल्कुल भी नहीं देख सकता था। सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम, कुछ लोग आगे आए उसकी मदद के लिए, प्रयास किया सिपाही की मदद करने के लिए, उस ग्रिफन को पकड़ने का प्रयास किया, बट फाउंड देमसेल्फ हिट बाई ब्लोज, लेकिन उसके मुक्के लगे, लेकिन कहाँ से लगे उनको दिखाई नहीं दिए, सिम टू कम कहाँ से आ रहे थे उनको दिखाई नहीं दिए। इन द एंड अंत में जाफर वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस, अब वो सिपाही था मिस्टर जाफर, अब वो अचेत होकर नीचे गिर गया, एज ही वो बेहोश हो गया, एज ही मेड ए लास्ट अटैम्प, जब उसने अपना अंतिम प्रयास किया टू होल्ड ओ टू अनसीन साइंटिस्ट, उस अनसीन वैज्ञानिक को देखने का, पकड़ने का जब उसने प्रयास किया, तो वो क्या हो गया, अदृश्य आदमी वैज्ञानिक को पकड़ने का प्रयास किया, तो वो उसके बाद बिल्कुल फेंटेड हो गया, मूर्छित हो गया। देर वर नर्वस, वहाँ पर परेशानी थी, उत्तेजना थी, एक्साइटेड क्राइज, सभी ये कह रहे थे, होल्ड हिम, पकड़ो पकड़ो उसको पकड़ो, बट दिस वॉज नॉट ईजियर सेट देन डन, लेकिन कहना आसान था और करना बहुत ही मुश्किल था। ग्रिफन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री, अब ग्रिफन ने अपने आप को आज़ाद करा लिया था, एंड नो वन न्यू, कोई नहीं जानता था वेयर टू ले हैंड ऑन हिम, उसको पकड़ने के लिए हमें कहाँ हाथ डालना है, कोई इसके बारे में नहीं जानता था। डियर स्टूडेंट्स, होपिंग दैट यू गॉट दिस चैप्टर इन ए बेटर वे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।